हाय गाइस, सो आज लंच पे मम्मी क्या बनाने वाली है, चलिए देख लेते हैं एक झलक। गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं मम्मी काट के रखी है कुछ सब्जियाँ, जिसमें है परवल और है आलू। यहाँ पे मम्मी चावल को धो के रखी है अच्छे से और अभी बना लेगी सबसे पहले चावल। सो चावल ऑलरेडी बन चुका है और अभी मम्मी कर रही है कुछ खड़े गर्म मसालों की सौटे, या फिर आप इसे बोल सकते हैं अभी मम्मी कर रही है रोस्टिंग। और रोस्टिंग कर लेने के बाद इसे निकाल लेगी और इसे रख देगी ठंडा होने के लिए साइड पे और इसका इस्तेमाल करेगी लास्ट पे। को बिना स्किप करके देखिए, तब आपको पता चल जाएगा। और गाइस मम्मी ने अभी डाल दिया है कढ़ाई पे मस्टर्ड ऑयल। दरअसल आज मम्मी बनाने वाली है मुड़ी घंटो, जो है एक बंगाली ट्रेडिशनल फूड। मुड़ी यानी कि फिश की हेड और घंटो यानी कि फिश हेड को ब्रेक करके सब्जी बनाया जाता है। और गाइस मुड़ी घंटो को बनाया जाता है डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में। तो आज मम्मी बनाएगी परवल और आलू के साथ। बेसिकली ये बनाया जाता है मूंग दाल के साथ, या फिर और एक स्टाइल में भी बनाया जाता है जिसमें यूज किया जाता है जौहर राइस। और तेल गरम होते ही मम्मी ने डाला था यहाँ पे जीरा और साथ में एक बेली। और सबसे पहले मम्मी कर लेगी परवल को थोड़ा सा फ्राई, और फ्राई करते टाइम मम्मी ने कलर के लिए यूज किया है यहाँ पे थोड़ा सा टर्मरिक यानी कि हल्दी। तो गाइस यहाँ पे फ्राई हो चुका है, अभी बारी है इन सबको निकाल लेने की। और अभी उसी तेल में डाल दिया जाएगा यहाँ पे चॉप किया हुआ पोटैटो यानी कि आलू। आलू को थोड़ा सा फ्राई कर लेने के बाद यहाँ पे डाला जाएगा पेस्ट किया हुआ प्याज, और डाला जाएगा कुछ सूखे मसाले जैसे कि हल्दी नमक, लाल मिर्ची पाउडर, रोस्टेड क्यूमन यानी कि जीरा की पाउडर, साथ में डाला जाएगा थोड़ा सा धनिया पाउडर। और फिर इन सबको अच्छे से भूनना है और हल्का सा पानी का छींटा भी डालना है ताकि मसाले जले ना। और गाइस ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप भी इसे एक बार ट्राई जरूर कीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन है या फिर आप फिश खाते हैं तो इस रेसिपी को एक बार बना के जरूर देखिए। आई एम श्योर आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। आलू अच्छे से भुनने के बाद मसालों के साथ मम्मी ने डाला है यहाँ पे फ्राई किया हुआ परवल और साथ में फ्राई किया हुआ फिश की हेड। और फिश के हेड को यहाँ पे डालने के बाद थोड़ा और सॉटे कर लेगी और फिर डाल देगी यहाँ पे थोड़ा सा पानी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइस, ऑलरेडी मम्मी ने पानी डाल दिया है और एक बार अच्छे से मिक्स कर देगी और फिर इसे कवर कर देगी और पकने छोड़ देगी करीब 15 मिनट्स के लिए इन मीडियम फ्लेम। और 15 मिनट्स के बाद मम्मी ने कवर को हटा दिया है और स्पून की हेल्प से फिश की हेड को तोड़ देना है पूरा। और लास्ट में डालना है खड़े गर्म मसाले का पेस्ट जो मम्मी ने पहले ही रोस्ट करके रखा हुआ था। इस सब्जी में ये खड़े गर्म मसाले का रोल बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। गर्म मसाले डालते ही ये रेडी हो जाएगा बिल्कुल।